हेलो गाइज, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग टू यू ब्यूटीफुल पीपल्स. और येस, वी आर हेडिंग बैक फ्रॉम द वॉक. एंड अभी क्या है, बारिश लगा, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, सो वी आर गोइंग बैक टू होम. एंड 7000 कंप्लीट हो चुके हैं, 7000 स्टेप वी आर कंप्लीटेड. बट अभी और मुझे रिड्यूस करना है. मेरा गोल आपको मालूम है 85 to 86 है. एंड वी आर हेडिंग बैक, सो सी यू इन द नेक्स्ट लिप विद ब्रेकफास्ट. हेलो फ्रेंड्स, इट्स 9 इन द मॉर्निंग एंड इट्स ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रेकफास्ट करने से पहले आप मेरा आज का वेट देख लीजिए कि आज मेरा वेट कितना है. डे 6, अभी हमारा करंट वेट है डे 6 पे 96.5. वेट आपने चेक कर लिया, लास्ट टाइम था 96.3, अब है 96.5, यानी 200 ग्राम हमने गेन किया है. गेन एंड लॉस चलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है. मैं आपको पर डे का वेट आपको बताऊंगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो डाइट अपन फॉलो करते हैं उसमें आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है. तो अभी हम ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, वही सिंपल रेगुलर जो हम लेते थे, 1 glass दूध, नट्स, अपना मल्टीविटामिन एंड पाउडर. ये हमारा रेगुलर ब्रेकफास्ट है, इसमें चेंज करते रहेंगे. ये मैं फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन मॉर्निंग स्नैक में. जो मॉर्निंग स्नैक होगा 10 बजे. हेलो फ्रेंड्स, इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग और हम ले रहे हैं इस बार मॉर्निंग स्नैक. मॉर्निंग स्नैक ले रहे हैं हम ये बनाना मॉर्निंग स्नैक में अच्छा काम करता है. हम लेंगे 1 scoop ऑफ दिस पीनट बटर आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन अच्छा रहता है उसमें. तो मैं ये मॉर्निंग स्नैक खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन लंच पे. लंच पे मैंने एक चीज़ एक्साइटिंग ऐड किया है जो आपको अच्छा लगेगा, तो मैं आपको बताऊँगा. मिलते हैं लंच पे. वेलकम बैक गाइज, इट्स 2 in the afternoon एंड इट्स लंच टाइम एंड आई एम हैविंग ओट्स. यस, आज सिर्फ ओट्स कहा जाएगा. ओट्स में मैंने ये टोमेटो का वो डाला है, टोमेटो सब्जी. ये काफ़ी टेस्टी बनती है और एक अच्छा फ्लेवर आता है आपके ओट्स में, अच्छा फ्लेवर आ जाता है. मैं प्लेन ओट्स यूज़ करता हूँ, मसाला ओट्स यूज़ नहीं करता हूँ. तो प्लेन ओट्स में आप कोई सी सब्जी मिक्स करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेट मेंटेन रहेगा और फैट भी नहीं स्टोर होगा आपकी बॉडी में. एंड की इज़, आपको मालूम है कि वाटर इंटेक आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छा है. ये मैं फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं सीधे इवनिंग स्नैक पे. हेलो गाइस, इट्स इवनिंग टाइम. अभी बज रहा है शाम का 6:30 और हम ले रहे हैं इवनिंग स्नैक ले रहे हैं हम 1 pear. जो पेयर खाते हैं हम लोग वो लेते हैं, कोई सा भी फ्रूट ले सकते हो, साथ में आप नट्स ले सकते हो या ग्राउंड नट ले लो या वॉलनट ले लो, कोई सा भी नट ले सकते हो. मैं अभी ले रहा हूँ पेयर. इसके बाद हम एक और मील करेंगे जो मील नंबर 5 होगा, जो इवनिंग स्नैक के 1.5 घंटे बाद होता है. तो वो भी मैं आपको बताऊँ क्या कर रहा हूँ, वो भी चेंज करते जाएंगे साथ ही साथ में. अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं इवनिंग स्नैक नंबर 2 में. हेलो गाइस, वेलकम बैक. अभी शाम के 8 बज रहे हैं और ये है इवनिंग स्नैक 2 का टाइम. यानी इवनिंग स्नैक में क्या लेना है, डिनर से पहले मैं हमेशा पपीता लेता हूँ. इसको काटना था पर डिनर से पहले मैं हमेशा पपाया लेता हूँ, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है. आप जो भी खाते हैं तो अच्छे से मैं पचता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलते हैं. तो इसको मैं कट करके खाता हूँ, अभी तो मैंने बता दिया आपको, इसको कट करके खाता हूँ, फिर मिलते हैं हम सीधे डिनर पे. हेलो गाइस, इट्स डिनर टाइम, वी आर हेडिंग टू डिनर. एंड आज मैं बता रहा हूँ डिनर में मैं दोस्तों ओट्स ले रहा हूँ. ओट्स में क्या किया है मैंने, उसमें दही मिक्स किया है क्योंकि मुझे प्रोटीन भी चाहिए. जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे देखिए मैंने दही मिक्स किया है और पम्पकिन लिया है मैंने, जिसे हम कद्दू कहते हैं, पम्पकिन लिया है एंड ओट्स. और ये अच्छी रेसिपी है, काफ़ी अच्छी है, दही, पम्पकिन और ओट्स. ये क्या है, आपकी बॉडी में फाइबर भी रखता है. देखो पम्पकिन में फाइबर होता है तो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है. ओट्स सबको मालूम है ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, फुलफिल कर देता है बॉडी को, प्रोटीन भी रहता है अच्छा खासा ओट्स में. तो ये लेके हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं एंड डिनर के साथ मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ. दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, अभी तक आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्यार बरस रहा है और बरसना चाहिए, मुझे और प्यार चाहिए. तो आप ऐसे ही प्यार बताते जाइए, मैं मेहनत करते जाऊँगा अपने साइड से, मेहनत मेरी, प्यार आपका और हम आगे बढ़ते जाएंगे. जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब पीछे छोड़ते जाएंगे, ये मेरा वादा है. और मैं आपके साथ हमेशा हूँ. आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे जो बारे में पूछना है आप पूछ सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय चैनल विद द फैमिली फ्रेंड्स. तब तक के लिए बाय.